नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय की खबरें और खबरों के साथ मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश की आजादी में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को चरखा ने कितना साथ दिया था और चरखा उनके मूल मंत्र में शामिल था। आज उस चरखे की और चरखा चलाने वालों की क्या स्थिति है, आज मैं उससे रूबरू कराना चाहता हूं। मैं अभी मौजूद हूं समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के केशव नारायणपुर गांव में, जहां वर्षों पूर्व यहां चरखा चलाने का एक संस्थान था, जहां इस गांव की दर्जनों महिलाएं चरखा चलाकर अपना जीव को उपार्जन करती थी और गांधी के उन मंत्रों को मजबूती प्रदान करती थी। लेकिन आज इन चरखों का क्या हाल है और चरखा चलाने वालों का क्या हाल है, कहा तो यह भी जाता है कि आज चरखा चलाने वाले जो हमारी माताएं हैं, आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। और चरखा की स्थिति क्या है, हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन को कि थोड़ा चरखा इनको दिखा दीजिए कि चरखा का क्या स्थिति है। और इस चरखा की मॉनिटरिंग के लिए जो लोग इसको चलवा रहे थे, इन महिलाओं से काम ले रहे थे, आज वो इन सभी को बंद कर दिए हैं और अब इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय हो रही है। सरकार की तरफ से कोई इनको सहायता नहीं मिल रहा है। हालांकि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, आज वो भी हमारे साथ मौजूद है और हम बात करेंगे इनसे। इससे पहले मैं इन महिलाओं को जिन्होंने इस चरखा समिति को जिंदा रखा और आज इनकी ही स्थिति मरणासन पर पहुंच गई है, तो हम चाहेंगे कि ये महिला क्या है चाची, ये क्या है, ये कार्ड है और किस बात का कार्ड है ये? शुद्ध भंडार में, शुद्ध जगह है, खादी भंडार में जो आप काम करते थे। तो कितना दिन तक आप इसको इसमें काम किए हैं? बहुत 40 साल आप काम किए हैं। लेकिन आज आपको, आज आप इसको इससे लाभ मिल रहा है? आप पैसा शुरू से मिल रहे हैं। अच्छा, अब नहीं मिल रहा है? करवा, सरकार आपकी खोज खबर कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। तो इस चरखा समिति से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, अब आपने क्या, आपको कुछ इससे लाभ मिला अभी वर्तमान में मिल रहा है? सरकार का ध्यान है आपको? सरकार का ध्यान रहते तो चालू ना रहते? चालू नहीं रहता, सरकार का ध्यान रहता तो चालू नहीं रहता, समझे? तो ये सरकार का सिस्टम है जिसका आप दंश झेल रहे हैं। सरकार आपको इस चरखा समिति की ओर से कुछ भी नहीं सोच रही है? ना, ना, ना। आप लोग नाखुश हैं सरकार से? चलिए, हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। इससे पहले हम अब बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रजनीश कुमार नाम हुआ। तो आज आपके समाज के जो ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बरसों बरस, लगभग 40 वर्षों तक ये चरखा काट कर अपना जीव को उपार्जन चलाती थी, आज ये चरखा का कार्यक्रम बंद हो जाने के कारण ये मतलब कि अपनी दयनीय स्थिति का दंश झेल रहे हैं। तो आप एक प्रतिनिधि होने के नाते क्या इनके लिए क्या आपने किया अभी तक, आप पूरी बात बताइए। हम अपने डीएम साहब से एक बार मिले, बताए कि चरखा काट के लोग उपार्जन अपना गरीब लोग करते थे जी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। एक बार सर बोले कि हम भेजते हैं, दिखवाते हैं। एसडीओ साहब से भी, नया एसडीओ साहब आए थे, उनसे भी मिले, उनको भी बताए तो कहे ठीक है, दिखवाते हैं, इतना ना हलचल है सरकार में, क्या करें हम लोग का माथा ठीक नहीं है। यानी कि इनकी स्थिति और परिस्थिति और इस चरखा को लेकर आपने जिला के पदाधिकारी से लेकर और अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी तक मिले, लेकिन आज तक उन्होंने ये चरखा चलती रहे, गांधी का सूत्र चलती रहे, वो आज तक कोई इसका निजात नहीं मिला, नहीं, और कोई ध्यान नहीं, और इनका स्थिति दिन प्रतिदिन वैसी ही है जी, जी। तो आपने देखा कि ये समिति जो महिलाएं विगत 40 वर्ष तक इस चरखा को चलाकर अपना जीव को उपार्जन करती थी, आज दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति दयनीय होते जा रही है। और इस चरखा को पुनर्जीवित करने के लिए, इस समिति को जीवित करने के लिए, ना कोई सरकार की कोई योजना यहां तक पहुंच पाई और ना ही सरकार इसके लिए गंभीर है। कैमरामैन चुन्नू कुमार सिंह के साथ मैं उदय कुमार।